टीम में जो है मेरे जो भाईचारे में इन्होंने सपोर्ट करा। उसके अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पे लोगों ने सपोर्ट ना करा हो। बड़े बड़े लोग जो मतलब 50+ जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने तक मेरा सपोर्ट करा है। जिनको फोन नहीं चलाना आता भाई उन्होंने सीखा फोन चलाना, अपने बच्चों से करवाया कि हमें सिखाओ ये वोट कैसे करते हैं, अनलिमिटेड वोट का है तो करो कराओ वोट कराओ। बहुत मेहनत करी, मैं अभी ताऊजी से भी मिला, उन्होंने भी बताया कि भाई देखो हमें तो फोन चलाना आता नहीं बट हमने पूरा सपोर्ट करा। तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए भाई कुछ है ही नहीं भाई। बेसिकली पूरी छत्तीस बिरादरी ने सपोर्ट करा भाई, ये चीज मतलब आपको बताना चाह रहा था ना। ये चीज मैं किसी जाति ना किसी धर्म में किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, मैं बस कहूंगा मेरे सारे भाई, मेरी पूरी छत्तीस बिरादरी, पैन इंडिया, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट करा मुझे। और वो चाहे किसी भी फील्ड के लोगों, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, और भी जो भी हर फील्ड वाले लोग हैं ना, वो सपोर्ट कर रहे थे। अभी सौरभ भाई आपका मैसेज पढ़ा मैंने कि दिल्ली पुलिस ने पूरा सपोर्ट करा, यार हमारा सपोर्ट हो गया पूरा दिल्ली पुलिस को, यार पूरा सपोर्ट है। तो एक एक इंसान ने जिनने मुझे सपोर्ट करा, मुझे इतने सारे वोट्स दिए, और ये समझ के कि अपना ही भाई है जो अंदर बिग बॉस में गया और इसको जिताना, जो अपने ऊपर चीजें लेके तुमने करी है ना भाई, मैं उसका एहसान अपनी जिंदगी में नहीं चुका सकता, समझ रहे हो। मतलब तुम लोगों ने एक तरीके से मेरे पे एहसान कर दिया जिसका मैं वापस नहीं कर सकता कि भाई मैं इसको कैसे क्या चीज करूं। तो वही रोज सोचता हूं मैं कि यार अब जो पहले हम इतने थे अब हम इतने हो गए हैं, भगवान करे और आगे भी जाए, तो मैं इसका शुक्रगुजार कैसे हूं कि भाई सबको पता लगे कि हाँ यार मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आप सभी लोगों की बहुत दिल से। वो चीज़ बयान ही नहीं कर पा रहा। एक शिकायत बहुत लोगों की है मेरे से कि एल्विस भाई तुम फ़ोन नहीं उठाते हो, एल्विस भाई तुम रिप्लाई नहीं करते हो। देखो ये है दो हाथ, ठीक है, मतलब कुछ गलत मत समझना, जो फ़ोन चलता है जैसे ऐसे फ़ोन चलता ना भाई, यही है, एक फ़ोन में आईडी लॉगिन है उसमें ऐसे कर सकता हूँ भाई, मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे कॉल्स, तुम आके मेरा फोन उठा के देखोगे ना तुम्हें पता लगेगी कि ये क्या हो रहा है, चक्का जाम हो गया फोन का, सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम ही हैंग हो गया फोन का। तो तुम खुद कह दो कि एल्विस भाई यार तुम ना रेस्ट करो तुम रेस्ट करो, तुम रिप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा ही नहीं, मतलब ट्राई कर रहा हूं पूरा बट इतने लोगों का भाई इतना प्यार, मैं बस उन सब लोगों से जिनको ये लग रहा है कि भाई ऐड आ गई इसमें तो घमंड आ गया, एल्विस तो बड़ा आदमी हो गया, नहीं भाई ऐड तो पहले भी नहीं थी और ना कभी आएगी, मुझे लगा ऐसा बोला ऐड तो पहले भी थी अब भी साड़े में बहुत होगी है भाई अर्चित भाई, मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि इंसान लाइफ में तभी आगे बढ़ सकता है जब वो जमीन से जुड़ के आगे चले, ना कि हवा में उड़ के कि बहुत आगे निकल गया, मतलब अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, करेक्ट, और ना और ये मत सोचना कि एल्विस भाई कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई। मैं अगर ऐसा होता ना, मैं बहुत एक्सक्लूसिव कि मैं दिख नहीं रहा किसी को ऐसे वैसे, भाई मैं अपने रोज ब्लॉग निकालता हूँ, रोज हमारे भाई आराम है उनसे मिलूं, मैं जैसा पहले था मैं सेम वैसा हूं, बल्कि और ना शायद मैं वो हो गया हूं मैच्योर, जो ये कभी नहीं हो पाएंगे ना, मैच्योर अंदर जाके हो गया। हाँ यार, अच्छा जी, कैरेक्टर मैच्योर कैसा हो गया एज में, मैच्योर यार 30 दिन बड़ा, ये तो पहले ये सबके दोस्त है भैया हो गए वाह अर्चित।